हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडलाइन स्टॉक्स। और आज है 22 जून 2020 और मार्केट में जबरदस्त यहां पर बूम देखने को मिला है। और देखिए, सैटरडे को जो न्यूज आई थी कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को इंडियन रेगुलेटर्स ने परमिशन दे दी है फैबी फ्लू मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने की, जो COVID-19 के माइल्ड से मॉडरेट पेशेंट्स होंगे उनको दी जानी है, और उससे रिकवरी रेट में काफी जबरदस्त सुधार आने के चांसेस हैं इंडिया के अंदर। देखिए, ऑलरेडी इंडिया में 4.25 लाख पेशेंट्स हो चुके हैं COVID-19 के, और उस वक्त ये न्यूज आती है कि ग्लेनमार्क कंपनी को इंडियन रेगुलेटर्स ने जो ये परमिशन दी है मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी है। और एज प्रिडिक्टेड, मार्केट ने आज इस बात को बहुत अच्छी तरीके से इनकैश किया और ग्लेनमार्क के शेयर में 30% से ज्यादा की तेजी दिखाई दी मात्र एक दिन के अंदर। 9 करोड़ से ज्यादा शेयरों के अंदर ट्रेडिंग हुई है, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम रहा है। अगर आप इस चीज को समझें कि देखिए, अगर ये मेडिसिन कामयाब होती है तो इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में मार्केट के ऊपर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो इसी सारी चीजों के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, और ग्लेनमार्क के अंदर बेसिकली आज कैसे कैसे काम हुआ, और अब जब क्योंकि आज इसने 22 जून 2020 को अपना 52 हफ्तों का एक नया हाई बनाया, 52 वीक हाई बनाया है, उसको क्रॉस करने के बाद क्या अभी इतनी इसके अंदर पावर है कि उसके ऊपर स्टिक रहेगा और यहां से आगे का हमें अपट्रेंड दिखाएगा, या फिर ये अभी एक सडन इंपैक्ट था और उसके बाद में गिरावट देखने को मिल सकती है। यही सारी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं ग्लेनमार्क स्टॉक के लिए। तो आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस स्टॉक बताने वाला हूं। देखिए, उस बोनस स्टॉक की मैं आपको बात बताऊं तो बहुत ही जल्द उसके अंदर आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे जा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट में मैंने आपको बताया है वो बोनस स्टॉक कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्लेनमार्क स्टॉक के आज एनएससी के ऊपर कैसा बिजनेस हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग इसके चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कहां कहां सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। एफ एंड ओ सेक्शन में ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू एक छोटा सा हिंट लेके हम उस लोग वहां देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज ये 573.05 तक पहुंचा, यानी कि 52 हफ्तों का हाई इसने आज ही लगाया है 22 जून को, और इसने क्लोजिंग होते होते हमें 520 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग भी दी है। प्रीवियस क्लोज अगर मैं बताऊं तो यहां से आपको डिफरेंस पता चलेगा। देखिए, 409.35 रुपए के ऊपर प्रीवियस क्लोजिंग था लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, फ्राइडे का, और आज इसने जो क्लोजिंग दी है 519.75 रुपए पे। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस में बताऊं तो 115 रुपए के बढ़त के साथ में 525 रुपए का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, लगभग 28% यहां दिखा रहा है। लेकिन अगर आप 573 से आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त यहां पर तेजी आपको दिखाई देगी परसेंटेज बेसिस पर। 52 वीक हाई देखिए आज ही यहां पर एनएससी पे दिखा रहा है 22 जून 2020 का, और 52 वीक लो है 13 मार्च 2020 का, यानी कि जस्ट 3 महीने पहले का, 3.25 महीने पहले का 161 रुपए का इसका 52 हफ्तों का लो है। तो देखिए, कोरोना ने वैसे आप अगर देखें तो मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया, पूरा ग्लोबल मार्केट को डाउन कर दिया, लेकिन फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कोरोना की वजह से, कोरोना उनके लिए एक वरदान साबित हुआ है बेसिकली। वरना आप सोच नहीं सकते हैं कि देखिए, कोई स्टॉक 3 महीने के अंदर मात्र 52 वीक लो से और 52 वीक हाई पर पहुंच जाए, वो भी इतने जबरदस्त जम के साथ में, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज है स्टॉक मार्केट के लिए भी। और लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी हमें यहाँ पे रख के नहीं चलना है, और इतने हाई रेट्स के ऊपर अगर हम इसको यहाँ पर पोजिशन इसके अंदर बनाते हैं विदाउट टेक्निकली इसका एनालिसिस के तो हमसे गलती हो सकती है। इसलिए हमें आगे चल के चीज जरूर देखनी होगी कि वाकई में क्या स्टॉक के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अभी इसको और कंटेन करके, इसको और कंडक्ट करके आगे की तरफ लेके जाए, या फिर यहां से एक हमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत जबरदस्त तेजी एक ही दिन के अंदर आ चुकी है, और 30% से भी ज्यादा की तेजी जो हमें देखने को मिली है वो अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त उछाल है शेयर के अंदर। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन आपको दिखाता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था 9 करोड़ के लगभग 8,92,66,592 करोड़ शेयरों में इस स्टॉक में आज क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है, यानी कि लगभग लगभग अगर इसको राउंड ऑफ भी करके देखें तो 9 करोड़ का यहां पर क्वांटिटी ट्रेडेड यहां पर हमें दिखाई देखने को मिलता है। डिलीवरी क्वांटिटी अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए 1,55,81,503 शेयरों के अंदर बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी भी है, लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 17.5% के यहां पर आपको
परसेंटेज ऑफ डिलीवरी दिखाई देगी टू ट्रेडेड क्वांटिटी। तो देखिए लोग काफी हद तक ये भी चीज समझ रहे हैं, जब इसके ऊपर आज ये ओपन हुआ सर्किट पे सर्किट लगते चले गए, और ये पहले से ही प्रिडिक्टेड था क्योंकि सैटरडे को मार्केट में ये न्यूज आ गई थी। देखिए उस लेवल के बाद में 450 के लेवल के बाद में जो इसने मूव दिखाया है वहां पर लोगों का एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, जब मार्केट ने देखा कि 450 को क्रॉस करके ये और भी आगे बढ़ रहा है, तो शायद वहां पर एक फीलिंग आई मार्केट में कि ये ओवर वैल्यूड स्टॉक बन चुका है और बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो इसके अंदर डिलीवरी ना उठा के सिर्फ ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव ही यहां पर मार्केट ने बनाया, जिसकी वजह से हमें यहां पर एक लोअर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी यहां पर आती हुई दिखाई दी है आज की तारीख में। देखिए ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बहुत जबरदस्त कंपनी है मार्केट में अगर आप देखें फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना से जस्ट पहले 10 दिन लॉकडाउन से जस्ट 10 दिन पहले इसने अपना 52 वीक लो भी बनाया था जो 161 या 165 रुपीस के आसपास था, मैंने आपको दिखाया था। तो यहां पर हमें सारे ही पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये वेल्थ क्रिएट हमें करके देगा, तो बहुत ही सावधानी से हमें यहाँ पे इसको एनालाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर आपको इसको सेंसेक्स से कंपेयर करके दिखाना चाहता हूं कि पास्ट में इसने कैसा आपको रिटर्न्स दिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा ईज हो जाए हमें इसके अंदर एक व्यू लेने में कि वाकई में क्या हम इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं आज की तारीख में जब ये इतना ओवर वैल्यूड हो चुका है या नहीं। तो देखिए एक दिन के अंदर मैं अगर आपको देखूं तो 27% की यहां पर तेजी दिखाई दे रही है एज पर द क्लोजिंग, जबकि सेंसेक्स ने यहां पर दी है 0.52% की पॉजिटिव क्लोजिंग। वन वीक की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए लगभग 31.5% की ग्लेनमार्क ने पॉजिटिव यहां पर रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेंसेक्स ने 5% से ज्यादा के पॉजिटिव रिटर्न्स यहां पर दिए हैं। एक महीने की बात करूंगा तो बहुत ही शानदार लगभग 48% के ग्लेनमार्क ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, जबकि सेंसेक्स ने दिए लगभग 14% के पॉजिटिव रिटर्न्स। YTD यानी कि ईयर टिल डेट 1 जनवरी 2020 से आज तक की मैं बात करता हूं तो ग्लेनमार्क ने देखिए दिए हैं लगभग 50% के पॉजिटिव रिटर्न्स, जबकि सेंसेक्स ने वहीं पर दिए हैं लगभग 15% के नेगेटिव रिटर्न्स। एक साल की अगर मैं बात करूं तो देखिए एक साल के अंदर ग्लेनमार्क ने यहां पर मात्र 4% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेंसेक्स ने दिए लगभग 11% के नेगेटिव रिटर्न्स। 3 साल की प्रोफाइल हम लोग देखेंगे तो देखिए 3 साल में लगभग 17.5% के नेगेटिव रिटर्न्स के साथ में ग्लेनमार्क आज हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि सेंसेक्स ने वहीं पर आपको 3 साल के अंदर लाके दिए लगभग 11.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स। अब 10 साल की प्रोफाइल मैं आपको दिखाता हूं, देखिए 10 साल के अंदर ग्लेनमार्क फार्मा ने दिए लगभग 90% के पॉजिटिव रिटर्न्स, जबकि सेंसेक्स ने वहीं आपको दिए 97% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स। तो ये इसकी रिटर्न प्रोफाइल है ऑल ओवर, और आज ये इसने अपना नया 52 वीक हाई बनाया है, उसके बेसिस पर आज ये आपको 89.67% 10 इयर्स में रिजल्ट देता हुआ रिटर्न्स देता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको सीधा देखिए इसके चार्ट्स पर लेके आता हूं, चार्ट्स क्या कह रहे हैं। यहां मैंने वीकली सेटिंग्स के ऊपर कैंडलस्टिक चार्ट लगाया है, RSI मैंने टेक्निकल इंडिकेटर लगाया, जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो में मैं आपको RSI का इंपॉर्टेंस बताता रहता हूं कि RSI जरूर आप देखा करें, बहुत हेल्प मिलती है RSI से। हालांकि RSI बिल्कुल स्टॉक के प्राइस के साथ साथ चलता है, इसलिए उसका आगे का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, इसलिए हम लोग साथ में MACD या फिर कोई और इंडिकेटर की हेल्प जरूर लेते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर ये चीज देखेंगे कि देखिए किस तरीके से ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है और RSI इसकी क्या पोजिशन बता रहा है। और साथ ही मैंने यहां पर लगाए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यानी कि EMA, तो मैंने 9 दिन से लेकर 200 दिन तक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगाए हैं, और देखिए वीकली क्योंकि मैंने चार्ट लगाया तो हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो प्रीवियस वीक की अगर मैं बात बताऊं तो देखिए फ्राइडे को जो वीक खत्म हुआ था क्लोज हुआ था वो हमें यहां पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था, ये वो कैंडल है, बहुत ही छोटी सी कैंडल है और क्लोजिंग हमें 407 रुपए के आसपास यहां पर आती हुई दिखाई दी थी, 409 रुपए के आसपास अभी NSE के साइट पर हमने देखा था। उसके बाद देखिए आज बहुत जबरदस्त गैप अप ओपनिंग हुई है और 450 रुपए के आसपास हमें यहां पर ओपनिंग ग्लेनमार्क फार्मा ने दिए उस न्यूज के चलते, और यहां पर खुलते ही लगा सर्किट। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए उसके बाद में हमें यहां पर सर्किट खुला और वापस से इसके अंदर बहुत जबरदस्त तेजी आती हुई नजर आई, यहां तक कि इसने अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हैं यह 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको भी टच कर लिया और यही इसका लगभग 52 वीक हाई बना, एक नया 52 वीक हाई इसने आज यहां पर छुआ है। तो देखिए क्लोजिंग होते होते आपने देखा कि मार्केट के अंदर एक
कवरिंग आती हुई दिखाई दी, एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दी, जिसके चलते हमने देखा कि ग्लेनमार्क फार्मा अपने उन लेवल से 573 के लेवल से नीचे गिरकर 525 रुपए के आसपास यहां पर क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो देखिए इसमें पहली चीज तो साफ ये चीज नजर आती है कि ये एक सडन इंपैक्ट था, ये जो आज आपने देखा है ये था एक सडन इंपैक्ट का न्यूज आई थी उसके चलते कि यहां पर इतनी जबरदस्त तेजी दिखाई दी है। दूसरी बात यहां पर ये नजर आती है कि देखिए इसने 52 वीक हाई को बनाया है आज और 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहां पर ये टच गया है वीकली चार्ट्स के ऊपर। देखिए अगर इस हफ्ते के अंदर अंदर ये 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके क्लोजिंग यहां कहीं ऊपर दिखा देता है तब इसके अंदर हम एक पोजिशनल व्यू के ध्यान में रखते हुए यहां पर अपनी बाय की पोजिशन ओपन कर सकते हैं, पहली चीज। सेकंड थिंग इज दैट आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए, देखिए आरएसआई की जो इसमें वैल्यू है वो है 77, ठीक है, और ये इस टाइम जो खड़ा है वो है यहां पर अपने ओवर वैल्यूड जोन में, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये प्रोजेक्टेड है, एग्रेशन यहां पर दिख रहा है, प्राइस को इसीलिए सपोर्ट भी यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए जब भी हमारा कोई भी स्टॉक आरएसआई के अंदर किसी भी टाइम फ्रेम में अगर यहां पे आपको ओवर वैल्यूड के अंदर ट्रेड होता हुआ नजर आए, ओवर वैल्यूड के अंदर यहां पर मूव करता हुआ नजर आए, तो देखिए जनरली यहां पर उसके अंदर बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं तलाशनी चाहिए क्योंकि यहां बहुत ही ओवर वैल्यूड है और मार्केट ने उसके अंदर जबरदस्त खरीदारी करके ओवर बाइंग करके उसको इस लेवल पे लेके आया है, यानी कि एक सडन इंपैक्ट के चलते वो यहां पर आया है या फिर कोई सडन न्यूज के चलते वो यहां पर आया है। तो अभी इसको इंतजार करना चाहिए इसके एक कूल ऑफ पीरियड का जिसके अंदर ये वापस से इस रिबन के अंदर आ जाए और नॉर्मल एनर्जी के साथ यहां पर ट्रेड होना शुरू करे, उसके बाद ही इसके अंदर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो ये बेसिकली आरएसआई हमें यहां पर इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैं आपको इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस भी एक बार दिखाना चाहता हूं कैसे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस प्लेस्ड हैं। 22 जून आज हो चुकी है, 25 जून को एक्सपायरी है इस मंथ की, केवल 3 दिन बचे हुए हैं और ये स्टॉक क्योंकि ऑलरेडी बहुत जबरदस्त रैली कर चुका है इस न्यूज के चलते, तो यहां हमें देखना होगा कि ये स्टॉक बेसिकली किन रेजिस्टेंस एंड किन सपोर्ट्स के बीच में यहां पर ट्रेड हो सकता है। तो देखिए यहां पे आपको ग्लेनमार्क का ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू एक बार बताना चाहता हूं कैसे कैसे और किन किन स्ट्राइक प्राइसेस पर जबरदस्त ओआई यहां पर खड़े हैं। और देखिए एक्सपायरी है 25 जून 2020 के, से मैंने अभी आपको बताया ग्लेनमार्क 525 यहां पर आपके सामने है अंडरलाइन स्टॉक। तो पहले देखिए ये है आपके लेफ्ट साइड में कॉल्स और राइट हैंड साइड में पुट्स, तो कॉल की अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए 434,000 का ओआई यहां पर दिखाई दे रहा है 550 के स्ट्राइक प्राइस पर, तो 434,000 का जो ये ओआई है ओपन इंटरेस्ट है, देखिए ये अपने आप में एक ऑलरेडी बहुत जबरदस्त यहां पर रेजिस्टेंस शो कर रहा है क्योंकि इससे ऊपर अगर आप देखें तो इतना ज्यादा जो आपको ओआई दिखेगा वो लग दिखेगा 476,000 का वो है यहां पर, अगर मैं आपको बताऊं तो 480 रुपए के ऊपर, तो देखिए 480 रुपए के ऊपर बहुत जबरदस्त एक रेजिस्टेंस है जिस रेजिस्टेंस को इसने आज क्रॉस किया और देखिए 476,000 का ओआई आज दिखा रहा है और चेंज इन ओआई भी 476,000 है, यानी कि आज के दिन ही फ्रेश पोजीशंस इसके अंदर ओपन हुई हैं और बहुत ही जबरदस्त यहां पर रेजिस्टेंस जो था 480 रुपए पर वो भी इसने क्रॉस किया। उसके बाद अगर पुट देखें सिमिलर वे में तो 480 रुपए के ऊपर देखिए 651,000 पुट्स हैं, ओपन इंटरेस्ट जो है 651,000 का है पुट्स के अंदर, तो यानी कि बहुत जबरदस्त सपोर्ट भी 480 रुपए के ऊपर यहां पर हमें बनता हुआ दिखाई देता है, यानी कि अगर ये इन प्राइस से 525 के प्राइस से नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई दे तो 480 रुपए के ऊपर आपको एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट यहां पर दिखाई दे सकता है, ये हमें ऑप्शन चेन में पता चलता है। उसके बाद में अभी की अगर मैं स्थिति आपको बताऊं तो देखिए 550 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पर यहां पर आपको बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस भी दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 550 एक हर्डल के रूप में यहां पर ग्लेनमार्क फार्मा में काम करता हुआ दिखाई देगा। तो 550 रुपए का जो प्राइस है वो निकले या फिर 573 रुपए जो ना कि सिर्फ 52 हफ्तों का हाई है बल्कि 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है उसके ऊपर अगर वो क्लोजिंग देता है तो मैं यहां पर आपको ये सजेस्ट कर सकता हूं कि आप इसके अंदर एक पोजिशनल ट्रेड का व्यू ले सकते हैं और यहां पर एक ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे रहा है।
क्योंकि 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा और डेफिनेट सी बात है उस वक्त हम ये चीज कह सकते हैं कि हाँ तो कि ये अप ट्रेंड में आ चुका है। लेकिन अभी वीक के अंदर लगभग 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं, उनको बहुत क्लोजली वॉच करना बहुत जरूरी है और आगे इसके अंदर तभी कोई यहाँ पर हमें मूव लेना चाहिए, दिखना चाहिए। और देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो स्टॉक जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि वो स्टॉक एक बोनस स्टॉक मैं आपको बताऊंगा, तो वो है देखिए आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक। और अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हैं मेरे चैनल के तो आपको पता होगा मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जस्ट एक वीडियो आईसीआईसीआई बैंक पे डाला था और उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि वीकली चार्ट्स के ऊपर एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और नेक लाइन के बेहद नजदीक है प्राइस, लेकिन वहां से वो बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखिए ये नए वीक की आज कैंडल फॉर्म हुई है और इस हफ्ते पूरी पूरी उम्मीद है कि शायद ये नेक लाइन को ब्रेक करके और यहां कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाएगी। और मैंने आपको बताया था कि अगर डबल बॉटम फॉर्मेशन है, ये देखिए दो बॉटम है इसके, ये है बॉटम नंबर वन और ये है बॉटम नंबर टू और ये एक सपोर्ट का काम करते हैं। जब भी किसी डाउनफॉल के बाद में ये बॉटम पैटर्न चमकता है तो उसको डब्लू पैटर्न कहा जाता है और अगर नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो यहां से आपको एक सडन अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है और उसको हम लोग ब्रेकआउट भी कहते हैं। तो यहां पर एक ब्रेकआउट होने की पूरी पूरी संभावना है। फिर से मैं आपको याद दिलाने के लिए यहां चीज बता रहा हूं, ऊपर लिंक में आई बटन के ऊपर मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा उस वीडियो का, उस वीडियो को पूरी डिटेल में आप चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं कि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था आईसीआईसी बैंक के बारे में। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत क्लोज वॉच रखिए और ये जैसे ही यहां पर क्लोज होता है तो आप इसके अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहां पर तलाश सकते हैं और जो आपका टारगेट रहने वाला है वो टारगेट भी मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया है, वो वीडियो आप जरूर देखें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर करें और मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।